हेलो हाय दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बस अड्डे पर और आज हम घर जा रहे हैं। छुट्टियां मिली हैं, 12 दिन की छुट्टी मिली है। तनवी भी साथ में है। कहाँ जा रहे हैं तनवी हम लोग? अम्मा के घर पे। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, अभी बस स्टैंड पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे, 1 किलोमीटर यहाँ से रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमारी गाड़ी है 11:30 बजे। अभी जाएंगे, वहाँ से जाके हमको वेट करना है। और यहाँ देखिए, अभी नॉर्मल कपड़े हैं, आंध्र प्रदेश में, अभी साउथ इंडिया में, और निकलते हैं। 2 दिन का सफ़र है, चलो फिर मिलते हैं। हम लोग आ चुके हैं प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर आ गए हैं, जा रहे हैं सीढ़ियों द्वारा प्लेटफार्म नंबर 2 पर, जिस पर हमारी गाड़ी आएगी। गाड़ी 11:30 बजे आएगी एक्सप्रेस, तो उसका इंतजार करेंगे, वहाँ बैठ के जा रहे हैं अभी। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर, हमारी गाड़ी 2 पे आएगी। ये है प्लेटफार्म नंबर 2, इस पर हम आ चुके हैं, इसी पे हमारी गाड़ी आएगी इस नंबर पर। और हमारा बोगी नंबर 6 है, सीट नंबर 47, 46, 8 है। तो हम आ चुके हैं स्टेशन पे, प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ गए हैं और हमारी गाड़ी आएगी 11:30 पर। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 8:20 हो रहा है लगभग। अभी 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को। ये तन्वी बैठी हुई है इधर, क्या कर रहे हो तन्वी? बलून फुला रही थी। हम कब घर कब चलोगे? ट्रेन आई थी तब चलोगे। ठीक, तो अभी यहाँ गर्मी, पसीना भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिसंबर का महीना है, आंध्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं सभी, देखिए बैठे हुए हैं। ये प्लेटफार्म है रंगपुर का, ये देखिए ये पूरा। और हम लोग बैठे हैं, अभी इंतज़ार करना है काफ़ी देर, फिर जाके ट्रेन आएगी। 11:20 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन आने वाली है अभी। अभी इस प्लेटफार्म पर आएगी कर्नाटका एक्सप्रेस, नंबर है उसका 12627। और ये जो और S3 में हमारा सीट है 47-48। तो थोड़ी देर, अभी 10 मिनट में आ रही है गाड़ी, इंतजार कर रहे हैं जब प्लेटफार्म पर आएगी। तो वाइट वाइट दिख रहा है इसमें, दिखाई नहीं दे रहा है सही से। इसमें जो आप देखते हैं, इसमें गाड़ी का नंबर और कौन सा बोगी है वो लिख के आता है। इधर भी देखिए लगे हुए हैं, हर जहाँ पे बोगी जो रुकती है वही लिख के आती है। मान लो S3 हमारा है तो सामने एक कलर दिख रहा है वाइट, लेकिन उस पर लिख के आ रहा है S3 और गाड़ी का नंबर। अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी भी जाएं, जब आपकी गाड़ी आने वाली हो तो उस पर आप नंबर देख सकते हैं और उसमें पूरा काउंटिंग लिख के S3, S1, S3, S4, S5 ऐसे लिख के आता है। तो उस पर देख के आप अपना कोच के पास जा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी गाड़ी आ चुकी है, कुछ ही क्षणों में आ रही है। देखिए ये लाइट दिख रही है उसकी, कर्नाटका एक्सप्रेस आ चुकी है स्टेशन पे। आ चुकी है गाड़ी। हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए सभी लोग अपनी सीट पे लेटे हुए हैं, सो भी गए हैं काफ़ी लोग, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 11:30 बज गए हैं। और ये देखिए सभी लोग सो गए, कुछ लोग खड़े हुए कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बल्कि कोई फेस्टिवल भी नहीं था फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अभी दूसरा दिन है, हम लोग महाराष्ट्र पहुँच चुके हैं, गाड़ी चल रही है, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये नाश्ता कर रहे हैं, मूंग दाल खा रही है ट्रेन में। देखिए कैसे खा रहे हैं, अभी कल शाम को बैठे थे, अभी सुबह हो चुकी है, अभी पूरा दिन चलना है हम लोगों को, अभी महाराष्ट्र में चल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की हसीन वादियाँ कैसे हैं, यहाँ के पहाड़, पर्वत और कटी छटी पहाड़ियाँ, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए तब
हम आ चुके हैं आंध्र प्रदेश की लास्ट स्टेशन जिसका नाम है बुरहानपुर, जो आंध्र प्रदेश की लास्ट स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। और इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यहां से रवाना हो चुकी है गाड़ी बुरहानपुर स्टेशन के बाद सीधा हम लोग एमपी में एंटर करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हम लोग झांसी बीना होते हुए यूपी में चले जाएंगे। वहाँ आगरा में लास्ट स्टेशन है हमारा। हम आ चुके हैं आगरा स्टेशन पे, अभी सुबह 6 बजे हैं, 3 तारीख को बैठे, आज 5 हो गई है। इसी ट्रेन से आए कर्नाटका एक्सप्रेस से, अब जाएंगे ऑटो से। अभी उतरे, 2 दिन का सफर हुआ है। यहाँ देखिए गर्मी हो रही है, ये देखिए पहले यहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ से नॉर्मल के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी में सभी लोग पहने हुए बांधे हुए हैं दोस्त वगैरह, देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं आगे। नहीं नहीं रूम रूम नहीं जाना, वो जाना फरका अभी तो बस से जाना है। ये हम लोग बाहर आ चुके हैं एग्जिट मार्ग से, अब यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो मिलेगा। नहीं दिल्ली पापी, नहीं दिल्ली ऑटो, नहीं भैया। अब हम लोग ऑटो से उतर के बस पे आ गए हैं, बस मिल गई एटा के लिए, हम एटा के लिए जाएंगे। एटा से फिर बस चेंज करना होगा हमको के लिए, अभी 2 घंटे इस पर लगेंगे चलना है। यहाँ से 70 किलोमीटर है कुल कार्य में माना जा रहा है, बस मिल गई है, खा दी है, हमने एक बार चलेगी। हेलो दोस्तों, तो मैं अंता अपने घर आ चुका हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं। अभी हम 3 तारीख को बैठे थे, आज 5 तारीख हो गई, दोपहर हो गई। अभी हम घर आए हुए, पानी पी रहे हैं, अभी जस्ट आके बैठे, बच्ची खेल रही है मेरी वो उधर देखिए। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करें, थैंक यू।